खबर अजमेर से, जहां पर प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में वैसे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अब इस जेल में मोबाइल मिलना बहुत आम हो चला है। इसी कड़ी में यहां दो नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दो अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं। सिविल लाइन थानाधिकारी रवीश सांबरिया ने बताया कि जेल में सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान जेल की बैरक नंबर 4 में एक मोबाइल और एक सिम बरामद हुई है। वहीं दूसरा मामला इसी बैरक के वार्ड नंबर 3 का है, यहां पर एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की तरफ से सिविल लाइन्स थाना पुलिस पर दो रिपोर्ट्स दी गई हैं। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि हाई सिक्योरिटी जेल में दो विचाराधीन कैदी हैं, जिनका नाम इमरान, इम्तियाज और सिराज है। उनकी जब बैरिक की तलाशी ली गई, ब्लॉक नंबर 4 है, उनसे एक मोबाइल नोकिया का और 4 एयरटेल की सिम बरामद हुई है, जिन पर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने सिविल लाइन्स थाना पुलिस पर रिपोर्ट दी है।